वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कीटो तो इनोल परसेंटेज क्या होती है और किस तरह से मॉलिक्यूल में कीटो तो और इनोल में से कौन डोमिनेट होगा किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी डिसाइड किया जाता है ये हमारे पास टोटोमेरिज्म का सेकंड पार्ट है पार्ट फर्स्ट में हमने टोटोमेरिज्म क्या होता है किस तरह से मोनोकार्बोनिल कंपाउंड में टोटोमेरिज्म पॉसिबल हो सकता है ये रेजोनेंस से किस तरह से डिफरेंट होता है इसका मैकेनिज्म क्या है इन सभी चीजों को कंसिडर किया है तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि मॉलिक्यूल की कीटो इनोल फॉर्म में से कौन सी फॉर्म किस कारण से डोमिनेट होती है अगर प्रीवियस वीडियो लेक्चर की बात करें तो वहां पे हमने देखा था कि टोटोमेरिज्म में अगर सबसे कॉमन टोटोमेरिज्म की बात की जाए तो वो हमारे पास कीटो इनोल टोटोमेरिज्म होती है इसमें कार्बोनिल कंपाउंड की जो कीटो फॉर्म होती है वो इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है इसी तरह ये साइक्लिक में भी हो सकता है और इसी तरह से ये ओपन चेन में भी हो सकता है इसकी क्या क्या कंडीशन है किन किन कंडीशन के कारण कीटो इनोल टोटोमेरिज्म पॉसिबल हो सकता है या दूसरे फंक्शनल ग्रुप भी इसमें किस तरह से इन्वॉल्व हो सकते हैं इन सभी चीजों को हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था इसी तरह से मोनोकार्बोनल कंपाउंड के साथ साथ डाई कार्बोनल कंपाउंड में भी टोटोमेरिज्म पॉसिबल हो सकता है और इसमें टोटोमेराइज होने के बाद ये कंपाउंड अपनी इनोल फॉर्म बना लेता है कीटो इनोल टोटोमेरिज्म में सबसे ज्यादा स्टडी इथाइल एसिटो एसिडेट पर की गई है यहाँ पर हमारे पास इथाइल एसिटो एसिडेट का फार्मूला है इस कंपाउंड में हमको दो तरह के सीडबल बॉन्ड ओ ग्रुप दिखाई देते हैं इसमें से सी ये सीडबल बॉन्ड ओ ग्रुप कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होता है जबकि ये डबल बॉन्ड ओ ग्रुप एस्टर का पार्ट होता है और चूंकि इसमें दो तरह के कार्बन हैं जो यहाँ पे इनोलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इन दोनों की जो हाइड्रोजन होती है वो एसिडिक हाइड्रोजन होती है अगर एसिड बेस कॉन्सेप्ट को यूज करें तो इस कार्बन की जो हाइड्रोजन होती है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इस कार्बन की हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है इसका मतलब ये हुआ इस कंपाउंड के कीटो इनोल में इस कार्बन की हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करती है और इसके बीच में इनोल फॉर्म की फॉर्मेशन से ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है इसका मतलब ये हुआ इथाइल तो में उसकी कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहती है यानी कि ये दोनों फॉर्म प्रेजेंट होती है इसमें से कौन सी फॉर्म ज्यादा होती है कौन सी फॉर्म कम होती है इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर ये दोनों फॉर्म प्रेजेंट हैं, तो इन दोनों फॉर्म को हम किन किन रिएक्शन के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं जैसा कि अभी हमने मेंशन किया इथाइल एसिडो एसिडेट में फॉर्म और इनोल फॉर्म दोनों प्रेजेंट होती हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फॉर्म के क्या एविडेंसेस हैं यहाँ पर हमारे पास चार डिफरेंट टाइप के रिएजेंट दिए गए हैं जो कि हाइड्रोजन साइनाइड सोडियम बाइसल्फाइड हाइड्रोक्सिल अमीन और फिनाइल हाइड्रोजीन है ये चारों रिएजेंट कार्बनल कंपाउंड के साथ रिएक्शन देते हैं और इनकी रिएक्शन को हम प्रीवियस वीडियोज में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं चूंकि ये चारों कंपाउंड इथाइल एसिटो एसिडेट के साथ भी रिएक्शन देते हैं इसका मतलब ये हुआ टोटोमेरिज्म के दौरान इसकी केटो फॉर्म प्रेजेंट होती है और इस कीटो ग्रुप के साथ इन चारों की रिएक्शन होती हैं और इनके कोरस्पिंग प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है इसी तरह से इथाइल एसिटो एसिडेट के टोटोमेरिज्म में इनोलिक फॉर्म भी प्रेजेंट होती है अगर इनोलिक फॉर्म की बात करें तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है यानी यहाँ से ये हिस्सा जो है वो एल्कीन की तरह बिहेव करता है क्योंकि इस कार्बन पर OH प्रेजेंट रहता है और ये हमारे पास एस पी टू एल्कीन का कार्बन है इसलिए इसे हम इन ओल कह सकते हैं इसी कारण से इसका नाम इनोलिक फॉर्म है अगर इस OH की बात करें तो इस कंपाउंड में या इस इनोलिक फॉर्म में इस ओ OH के कारण भी रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है यहाँ पर हमारे पास तीन डिफरेंट तरह के रिएक्शन है अगर हम Br2 की के रिएक्शन को कंसिडर करें तो इसमें एल्कीन के कारण रिएक्शन पॉसिबल होती है और अगर डाइजोमिथेन के साथ रिएक्शन को कंसिडर किया जाए तो इस OH ग्रुप के कारण रिएक्शन पॉसिबल होती है इसी तरह से इनोल फॉर्म इस एफिसियल तरीके साथ डार्क कलर का प्रेसिपरेट भी बनाती है ये तीनों रिएक्शन इस चीज का इंडिकेशन है कि इसके टोटोमेरिज्म में इनोलिक फॉर्म भी प्रेजेंट होती है यहां तक के डिस्कशन में एक चीज ये क्लियर हो गई अगर कोई भी कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करता है तो उसकी कीटो फॉर्म के साथ साथ इनोलिक फॉर्म भी प्रेजेंट होती है और इन दोनों से डिफरेंट रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है अब किसी कंपाउंड की कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म में से कौन ज्यादा स्टेबल होती है ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है अब इन सभी फैक्टर्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं यहाँ पे हमारे पास कीटो इनोल टोटोमरिज्म का एक सिम्पलेस्ट एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होती है और ये एक डायनेमिक डायनेमिक्लिब्रियम होता है अगर इस रिएक्शन के लिए इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट की बात की जाए तो ये इनोल की कंसेंट्रेशन डिवाइड बाई फॉर्म की कंसेंट्रेशन होता है एसिड बेस रिएक्शन में हमने देखा था कि अगर किसी भी रिएक्शन में उसके डायरेक्शन का प्रोडिक्शन करना हो या उसकी फिजिबिलिटी का प्रोडिक्शन करना हो वहाँ हमने ये चीज नोट करी थी कि रिएक्शन या इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में प्रोसीड होता है जहां पर वीक एसिड और वीक बेस की फॉर्मेशन होती है इसका मतलब ये हुआ अगर इस इक्विलिब्रियम में हमने कीटो फॉर्म या इनोल फॉर्म में एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर लिया तो जहां पर वीक एसिड होगा उस साइड में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा जैसे अगर इस कंपाउंड में एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो यहाँ से हमको एक एच रिमूव करना पड़ेगा ये एच ऐसी एच पॉजिटिव रिमूव होगा जिससे इस कंपाउंड के कंजुगेट बेस की फॉर्मेशन हो जाएगी अगर इस कंपाउंड में हम एच को रिमूव करें तो यहाँ से एक एच पॉजिटिव रिमूव होगा और इससे इस कंजुगेट बेस की फॉर्मेशन हो जाएगी एसिड बेस के डिस्कशन में हमने ये चीज भी देखी थी अगर किसी कंपाउंड का कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होता है उस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती है यानी कंपाउंड की एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी होती है इसका मतलब ये हुआ इस केटो और इनोल में से हमको एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए इन दोनों कॉन्जुगेट बेस को आपस में कंपेयर करना पड़ेगा अगर इस कंजुगेट बेस की बात की जाए तो यहाँ पे सीन प्रेजेंट है और इसमें सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है इसी तरह से इस कंजुगेट बेस में ओनेक्टिव प्रेजेंट है और इसमें सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है इस कारण से सी नेगटिव और ओ नेगट्टिव में से ज़्यादा स्टेबल ओ नेगट्टिव होता है यानी इनोल का एच रिमूव करने के बाद बनने वाला कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए इस इनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी अगर इनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है इसका मतलब इस कीर्टो की एसिडिक स्ट्रेंथ कम है यानी कि ये जो कीर्टो होगा ये हमारे पास वीक एसिड होगा और अभी हमने स्टेटमेंट वन में ये मेंशन करा है कि रिएक्शन हमेशा इस तरह से प्रोसीड करती है कि जहाँ पर वीक एसिड और वीक बेस की फॉर्मेशन हो वो रिएक्शन उस साइड में या वो इक्विलिब्रियम उस साइड में शिफ्ट हो जाता है चूंकि इस इक्विलिब्रियम में यहाँ पर वीक एसिड है इसलिए पूरा इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा या हम ऐसा कह लें इन दोनों रिएक्शन की रेट की बात की जाए तो जो बैकवर्ड रिएक्शन होगी इसकी रेट जो होगी वो फॉरवर्ड रिएक्शन से ज्यादा होगी या हम ऐसा कह लें कि इसमें जो के इक्लवेरियम जो होगा वो लेस देन वन होगा इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम बॉन्ड एनर्जी के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर केटो फॉर्म की बात करें तो इसमें तीन टाइप के बॉन्ड की हेल्प से इनोल फॉर्म बनती है इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प होती है कार्बन कार्बन बॉन्ड की हेल्प होती है और इस सीरबल बॉन्ड ओ की हेल्प से या इन्वॉल्वमेंट से ये कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होती है इसी तरह अगर इनोल फॉर्म से कीटो फॉर्म की बात करें तो इस इनोल फॉर्म में ये ओ OH ग्रुप ये सीओ ग्रुप और ये सी डबल बोन्ड सी ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट से हीटो फॉर्म बनती है अब इनमें तीनों बोन्ड की अगर एनर्जी का सम ले लें और इसमें तीनों बोन्ड की एनर्जी का सम ले लें तो इसमें जो एनर्जी डिफरेंस आता है बारह पर मोल या फिर फोर्टी एट पर मोल होता है इसका मतलब ये है इसकी इनोल फॉर्म की बारह किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी ज्यादा होती है इसी कारण से इसकी कीटो फॉर्म के ज्यादा स्टेबल होती है इसी तरह से अगर एसिटोन का मॉलिक्यूल टोटोमराइज होकर इनोल फॉर्म की फॉर्मेशन करता है और ये दोनों फॉर्म डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहती हैं तो इसके अगर डेटा को देखें तो एसीटोन में जो कीटो फॉर्म होती है ये 99.99 पॉइंट नाइन प्रेजेंट होती है जबकि इनोल फॉर्म इसकी सिर्फ पॉइंट जीरो 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 टू फाइव परसेंट ही प्रेजेंट होती है इसका मतलब ये हुआ कि जो मोनोकार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनमें या ऐसा के लिए जो सिंपल एल या किटोन होते हैं इनमें इनोल फॉर्म की परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम होती है और इनकी इनोल फॉर्म की जो रेंज होती है वो टेन टू पावर माइनस फोर टू टेन टू पावर माइनस वन तक ही रहती है यानी इतनी कम परसेंटेज में इनोल फॉर्म प्रेजेंट होती है अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कंपाउंड में क्या हमेशा कीटो फॉर्म ही डोमिनेट होगी उसकी इनोल फॉर्म की परसेंटेज हमेशा कम होगी तो इसका आंसर ये है कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें इनोल फॉर्म की परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है और सम टाइम्स उसमें इनोल फॉर्म की परसेंटेज कीटो से भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है इन सभी फैक्टर्स को अब हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं तो इसमें सबसे पहले नंबर पे फैक्टर आता है एरोमेटिसिटी अगर किसी कंपाउंड की इनोल फॉर्म में एरोमेटिक करेक्टर डेवलप हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में उसमें परसेंटेज ऑफ इनोल बढ़ जाती है और समटाइम तो उसमें परसेंटेज ऑफ इनोल से भी ज्यादा हो जाती है एग्जाम्पल नंबर इस एग्जाम्पल में इस कंपाउंड की कीटो फॉर्म इस हाइड्रोजन की हेल्प से इनोल में कन्वर्ट हो जाती है और इनोल बनने के बाद इस कंपाउंड में यहाँ पर सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन हो जाता है ये एरोमेटिक रिंग बन जाती है इस कारण से इस कंपाउंड में मैक्सिमम इनोल फॉर्म भी प्रेजेंट होती है या ऐसा हम कह सकते हैं इस कंपाउंड की कीटो फॉर्म डिटेक्ट भी नहीं की जा सकती अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बना कि अगर कंपाउंड में कीटो ग्रुप को सेक्रीफाइस करके फिनोलिक OH की फॉर्मेशन होती है तो क्या हम हमेशा कीटो ग्रुप को सेक्रीफाइस करके फिनोलिक ओवेज OH की फॉर्मेशन कर लें क्या उसमें हमेशा इनोलिक फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल होगी कीटो फॉर्म कभी भी डिटेक्ट नहीं होगी तो इसका आंसर ये है कि अगर हम कीटो ग्रुप को सेक्रीफाइस करके फिनोलिक ओएच OH की फॉर्मेशन कर रहे हैं और कंपाउंड में एक से ज्यादा कीटो ग्रुप को सेक्रीफाइस करके फिनोलिक ओएज OH की फॉर्मेशन होती है तो जैसे जैसे कंपाउंड में फिनोलिक ओएच OH का नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसमें इनोल और ग्रुप की जो स्टेबिलिटी की परसेंटेज हैं वो डिक्रीज हो जाती है यानी उसमें इनोल फॉर्म तो ज़्यादा स्टेबल रहती है बट उसमें फॉर्म भी डिटेक्ट होना शुरू हो जाती है जैसे इस एग्जाम्पल में इसमें जीरो परसेंट कीटोफॉर्म प्रेजेंट होती हैं बट जैसे जैसे हम ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें ज़्यादा कीटोग्रुप को सेक्रीफाइस करके फिनोलिक ओएज OH की फॉर्मेशन होती है तो ऐसी कंडीशन में उसमें फॉर्म भी एग्जिस्ट करना शुरू कर देती है ऐसा इसमें इसलिए होता है कि जो कीटो ग्रुप की बॉन्ड एनर्जी होती है वो कैकुले की रेजोनेस एनर्जी को काउंटर बैलेंस कर लेती है एग्जाम्पल नंबर सेकेंड इस एग्जाम्पल में हमारे पास साइक्लोह थ्री फाइव ट्राइवन है जो कि इनोलाइज होकर बेंजीन 135 थ्री फाइव की फॉर्मेशन करता है जिसे हम फ्लोरोग्लूशिनोल कहते हैं अगर इन दोनों के रेशियो की बात की जाए तो इसमें इनोल की परसेंटेज ज़्यादा होती है बट इसमें चूंकि तीन ग्रुप के नुकसान से हमारे पास तीन फिनोलिक ओएज की फॉर्मेशन होती है तो इसमें कीटो फॉर्म भी डोमिनेट करना शुरू कर देती है यानी कि इसमें इनोल फॉर्म मैक्सिमम होगी बट कीटो फॉर्म भी प्रेजेंट होगी जिसको हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं अब यहाँ पे हमने दो तरह के रिएक्शन ए और बी को मेंशन किया है ए रिएक्शन में अगर इस कंपाउंड की रिएक्शन बेस के साथ होती है और फिर इसमें मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है तो ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन होती है इसमें एच एटम जो होता है पहले बेस के साथ रिएक्ट कर लेता है और यहाँ पर ओन एक्टिव की फॉर्मेशन हो जाती है यानी अब ये फिनोक्साइड आयन जो होता है इस मिथाइल क्लोराइड पे एसिन टू से अटैक करता है जिससे ईथर की फॉर्मेशन होती है चूंकि ये यहाँ पर तीन ओ एच OH ग्रुप है तो ये रिएक्शन तीनों ओएच OH ग्रुप पर सेम तरीके से होती है और इससे वन थ्री फाइव ट्राइमिथोक्सी की फॉर्मेशन हो जाती है A रिएक्शन इस बात का इंडिकेशन है कि इसके टोटोमेरिज्म में इनोलिक फॉर्म प्रेजेंट होती है इसी तरह अगर बी रिएक्शन को कंसिडर करें और इसमें हाइड्रोक्सेलमिन डालें तो बेसिकली इसमें होता क्या है कीटो ग्रुप यहां से इस ऑक्सीम के साथ वाटर मोलिक्यूल को रिलीज कर देता है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास तीन ग्रुप प्रेजेंट है तो ये रिएक्शन तीन बार होती है और इससे ट्राई की फॉर्मेशन हो जाती है

इस तरह से इनोल फॉर्म की फॉर्मेशन कर लेता है अगर इन दोनों कंपाउंड की स्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें ये जो कीटो कंपाउंड है यहाँ पर एसपी थ्री कार्बन प्रेजेंट है और हक्क रूल में हमने देखा था अगर साइक्लिक सिस्टम में एक भी एसपी थ्री कार्बन प्रेजेंट होता है तो ऐसा मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक होता है अगर ये कंपाउंड अपनी इनोल फॉर्म बना लेता है तो इसमें फोर पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है और फोर पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण अब ये कंपाउंड जो होता है वो एंटी एरोमेटिक बन जाता है हक्कर रूल में साथ में हमने ये भी देखा था कि अगर कंपाउंड की स्टेबिलिटी की बात की जाए तो एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं फिर नॉन एरोमेटिक आते हैं और सबसे लीस्ट स्टेबल एंटी एरोमेटिक होते हैं इसका मतलब ये हुआ अगर ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है और अपनी इनोल फॉर्म में ये एंटी एरोमेटिक बन रहा है तो यानी कि इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है इस कारण से ये कंपाउंड कभी भी अपनी इनोल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है इसकी फॉर्म ही मैक्सिमम रहती है इसी तरह एग्जाम्पल नंबर फोर में हमारे पास ट्राई कीटोसाइक्लोब्यूटेन है और यहाँ से इस कार्बन के हाइड्रोजन की हेल्प से ये कंपाउंड इस तरह से अपने इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है अगर इन दोनों कंपाउंड में कीटो और इनोल की बात करें तो इसमें जो कीटो कंपाउंड होता है इस साइक्लिक कंपाउंड में एक sp3 कार्बन प्रेजेंट होने के कारण अब ये रूल से नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है और अगर ये इनोल फॉर्म बना लेता है तो ये कंपाउंड एरोमेटिक बन जाता है अब ये कंपाउंड एरोमेटिक कैसे बनता है इसके लिए इसकी एक आर को हम ड्रॉ करते हैं इस कंपाउंड के इनोल फॉर्म में अगर कीटो ग्रुप अपनी पोलरिटी के कारण इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इस तरह से शिफ्ट कर लेता है तो यहाँ पर ओनेक्टिव की फॉर्मेशन हो जाती है और इन दोनों कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाती है तो ये कंपाउंड हमको कुछ इस तरह से दिखाई देता है अब इस रिंग में टोटल टू पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण ये रिंग एरोमेटिक बन जाती है इसका मतलब ये हुआ एग्जाम्पल फोर में नॉन एरोमेटिक कंपाउंड अपनी कीटोक फॉर्म को सेक्रीफाइस करके एरोमेटिक इनोल में कन्वर्ट हो जाता है इसलिए इसमें इसकी परसेंटेज ज्यादा होती है अब सेकेंड नंबर पर फैक्टर हमारे पास आता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर कोई मॉलिक्यूल इनोल फॉर्म में स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है तो उस मॉलिक्यूल में उसके इनोल कंटेंट इंक्रीज हो जाते हैं इनोल में होने वाली इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम एसेटाइल एसीटोन से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं एसिटाइल एसिटॉन जिसे हम पेंटेन टू फोर डायोन भी कहते हैं यहां पर हमारे पास तीन टाइप के एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं इनके लिए हम क्या करते हैं कि मार्किंग कर लेते हैं एक को हम ए मान लेते हैं दूसरे को बी मान लेते हैं और एक को हम सी मान लेते हैं अगर हम एसिड बेस कॉन्सेप्ट को कंसिडर करें तो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ आती है वो बी की सबसे ज्यादा आती है जबकि ए और सी आपस में इक्वल एसिडिक स्ट्रेंथ के होते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि एसिड बेस कॉन्सेप्ट में हमने ऐसे देखा है किसी भी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए उसके एक एच पॉजिटिव को रिमूव किया जाता है जब यहां से आप एक एच पॉजिटिव को रिमूव करके या कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे ये बेस इन दो कीटो के माइनस एम से, से स्टेबलाइज होगा अगर इसको रिमूव करके यहाँ पर कॉन्जुकेट बेस या कार्बन एक्टिव बनाओगे तो ये केवल एक कीटोग्रुप के साथ ही कॉन्जुकेट होकर स्टेबलाइज होगा इसका मतलब ये है ए और सी में केवल एक एक कीटोग्रुप से कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज होगा जबकि बी का कॉन्जुकेट बेस दो ग्रुप से स्टेबलाइज होगा इसलिए बी के एच की एसिडिक स्ट्रेंथ ए और सी से ज्यादा आती है इसका मतलब यह हुआ अगर एथाइल एथाइलेटोन अपनी इनोल फॉर्म को बनाता है तो इस बी कार्बन के हाइड्रोजन को यूज करके वो इनोल फॉर्म की फॉर्मेशन करेगा अब इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। ये बी वाला जो हाइड्रोजन है इस डबल बोन्ड के साथ इनोल बनाए या इस डबल बोन्ड के साथ इनोल बनाए चूंकि इसमें पूरा का पूरा सिस्टम यहां से आइडेंटिकल है इसलिए चाहे यहां से आप इनोल बनाएं या यहां से इनोल बनाएं दोनों इनोल आइडेंटिकल होंगे यानी इस इथाइल एसिटॉन से केवल एक ही टाइप का इनोल की फॉर्मेशन होगी और जैसे इस कंपाउंड का इनोल बनेगा इसके ओ एच के हाइड्रोजन एटम और इस कीटो ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी क्योंकि इस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन वन मॉलिक्यूल होती है तो इस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम इंट्रा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह देते हैं यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगी अब इससे होगा क्या इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो इनोल होगा उसकी एनर्जी कंटेंट कम हो जाएंगे और ये कितने कम हो जाएंगे ये कीटो फॉर्म से लगभग सेवन किलो किलोरी पर मोल इसके एनर्जी कंटेंट कम हो जाएंगे या हम ऐसा कह लें इन दोनों फॉर्म में से यानी कीटो फॉर्म में से और इनोल फॉर्म में से इनोल फॉर्म के एनर्जी कॉन्टेंट कम होंगे इसलिए इसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो कीटो फॉर्म से भी ज़्यादा हो जाएगी और अगर इनके परसेंटेज की बात करें तो इसमें एथाइल एसिटोन में ये जो कीटो फॉर्म होती है ये 24 परसेंट प्रेजेंट होती है यानी ये 24 कीटो फॉर्म में रहेगा और बाकी बचे हुए 76 परसेंट ये अपनी इनोल फॉर्म में रहेगा यानी इस कंपाउंड में इसकी इनोल फॉर्म फॉर्म से ज्यादा पाई जाएगी क्योंकि इस कंपाउंड में इस बी कार्बन की हाइड्रोजन के थ्रू इनोल की फॉर्मेशन हुई है तो ऐसा कंपाउंड जिसमें जिस हाइड्रोजन की हेल्प से इनोल की फॉर्मेशन हो उसे हम इनोलाइजेबल एच कहते हैं यानी कि ये दोनों जो हाइड्रोजन होंगे ये इनोलाइजेबल एच कहलाएंगे अब इस इनोलाइजेबल एच की एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ताकि इसका इनोल कॉन्टेंट ज्यादा जल्दी बन सके और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो सके एग्जाम्पल नंबर सिक्स इस एग्जाम्पल में हमारे पास इथाइल एसिटो का मोलिक्यूल दिया गया है इस मोलिक्यूल में इन दो कार्बन को हमने ए और बी की मार्किंग की है अगर इन दोनों कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर किया जाए तो अगेन बी कार्बन के जो हाइड्रोजन होते हैं इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ए कार्बन के हाइड्रोजन से ज्यादा आती है ऐसा क्यों होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले यहाँ से एक एच पॉजिटिव को रिमूव करके नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी ये नेगेटिव चार्ज कार्बनइन या फिर कॉन्जोगेट बेस कहलाएगा और यहाँ से जब नेगेटिव चार्ज बनाएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज इन दो सी डबल बोन ओ ग्रुप के माइनस एम के थ्रू स्टेबलाइज होगा इसी तरह अगर ए कार्बन के एच को रिमूव करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज केवल इस सी डबल बोन ओ ग्रुप के थ्रू स्टेबलाइज होगा इसका मतलब ये है कि बी कार्बन का जो कंजुकेट बेस होगा उसमें दो बार माइनस एम लगने के कारण ये ज्यादा स्टेबलाइज होगा और जिस कंपाउंड या ग्रुप का कंजुकेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है इसका मतलब ये है इन दोनों में से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है यानी कि ये अब हमारे लिए इनोलाइजेबल एच का, का काम करेंगे यानी इससे बनने वाला जो इनोल होगा इसके कंपेरिजन में डोमिनेट होगा अब बात यह है कि अगर हमने इसके इनोलिजेबल एच तो डिसाइड कर लिए कि जो होंगे इनोल बनाने में हेल्प करेंगे अब दूसरा क्वेश्चन ये बना क्या हमको इनोल इस सी डबल बोर्ड ओ की हेल्प से बनाना चाहिए या फिर इस सी डबल बोर्ड ओ की हेल्प से बनाना चाहिए तो इसमें आंसर इस चीज से देखा जाएगा कि इस नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज कौन करता है क्योंकि चूंकि ग्रुप का माइनस एम इफेक्ट जो होता है वो एस्टर के माइनस एम इफेक्ट से ज़्यादा होता है इस कारण से इसका जो नेगेटिव चार्ज होगा इसके थ्रू ज्यादा अट्रैक्ट होगा ज्यादा माइनस हम लगेगा यानी इन दोनों की हेल्प से हमको इनोल की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी और इसका इनोल कुछ इस तरह से बनेगा इस इनोल में भी इस ओ एच के हाइड्रोजन एटम और इस सी डबल ओ के ऑक्सीजन एटम के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी और इसका इनोल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज हो जाएगा अगर इन दोनों की परसेंटेज देखी जाए तो इथाइल एसिटो एसिटेट में जो कीटो फॉर्म होती है इन 92% होती है जबकि इसकी इनोल फॉर्म केवल 8% होती है। अब इस इंटरमॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इंपैक्ट को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम एग्जांपल फाइव और एग्जांपल नंबर सिक्स इनका क्रॉस कंपैरिजन करते हैं। जैसा कि अभी हमने एग्जांपल नंबर फाइव में देखा कि एसिटाइल एसिटोन की जो कीटो फॉर्म होती है वो 24 परसेंट होती है जबकि इसकी इनोल फॉर्म 76 परसेंट होती है इसी तरह से एग्जांपल नंबर सिक्स में हमने देखा जो इथाइल एसिटो तो एसिटेट होता है इसकी कीटो फॉर्म 92 परसेंट होती है जबकि इनोल फॉर्म केवल 8 परसेंट होती है यानी इसकी इनोल फॉर्म तो सेवेंटी है और इसमें हम रीजन बता रहे हैं कि इसकी जो इनोल फॉर्म होती है इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसकी इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है जबकि इस केस में इनोल फॉर्म बनने का रीजन भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण स्टेबिलिटी होता है बट इसकी इनोल फॉर्म केवल एट परसेंट होती है अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बना कि इन दोनों इनोल फॉर्म में परसेंटेज का इतना ह्यूज डिफरेंस क्यों है इस ह्यूज डिफरेंस को समझने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसकी इनोल फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा और कौन सा फैक्टर डेवलप हुआ है अगर इस कंपाउंड की इनोल फॉर्म को देखें तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ इसमें कंजुगेशन डेवलप हुआ है जैसे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है सिंगल डबल सिंगल डबल तो इस सिस्टम में कंजुगेशन इंक्रीज हो गया है इसी तरह से इसकी इनोल फॉर्म को देखें तो अगेन इसमें सिंगल डबल सिंगल डबल कंजुगेशन इंक्रीज हुआ है तो बेसिकली इसकी जो इनोल फॉर्म बनने का रीजन है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ कंजुगेशन का डेवलप होना है अब बात रही इन दोनों इनोल फॉर्म में इस ह्यूज डिफरेंस की इसके लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है पहली तो इनोलेजेबल हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर इस कंपाउंड में हमने इस कार्बन के हाइड्रोजन को यूज करके इनोल फॉर्म को बनाया है इसी तरह इस कंपाउंड में अगेन इस कार्बन के हाइड्रोजन को यूज करके हमने इनोल फॉर्म की फॉर्मेशन करी है अगर इन दोनों हाइड्रोजन को आपस में कंपेयर करें तो इसके लिए इस हाइड्रोजन को हम ए मान लेते हैं और इस हाइड्रोजन को हम बी मान लेते हैं अगर इन दोनों कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर किया जाए तो जो ए हाइड्रोजन होगी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बी से ज़्यादा होगी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को हम पी के ए वैल्यू के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं अगर इन दोनों हाइड्रोजन की पी के वैल्यू को देखा जाए तो ए हाइड्रोजन की पी के वैल्यू नाइन के आसपास होती है जबकि बी हाइड्रोजन की पी के वैल्यू इलेवन के आसपास होती है और इसी तरह से हमने एसिड बेस कॉन्सेप्ट में देखा है कि किसी भी कंपाउंड की जो एसिडिक नेचर होती है वो पी के वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है यानी जिस कंपाउंड में पी के वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी ए की पी के वैल्यू कम होना इस बात का इंडिकेशन है कि ए की एसिडिक स्ट्रेंथ बी से ज्यादा है इसका मतलब ये हुआ इन दोनों कंपाउंड में इस कंपाउंड के पास ज्यादा स्ट्रोंग एसिडिक नेचर के इनोलिजेबल एच होने के कारण इसका इनोल कंटेंट इसके कंपैरिजन में ज्यादा बना अब दूसरा इसमें रीजन ये है कि अगर इस इनोल फॉर्म को देखा जाए ये हमारे पास परफेक्ट कंजुगेटेड सिस्टम है जबकि ये हमारे पास परफेक्ट कंजुगेटेड सिस्टम नहीं है अगर इसके इनोल फॉर्म को देखें तो यहाँ पे सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड का कंजुगेशन है ऐसा पैटर्न हमारे पास इस एनोल में भी प्रेजेंट है यहाँ पे सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड का कंजुगेशन है बट दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पर ओआईटी ग्रुप प्रेजेंट है अब ओआईटी ग्रुप क्या कर सकता है ओआईटी ग्रुप इसमें अपने ऑक्सीजन का लोन पेयर को इस कीटो ग्रुप के साथ इस तरह से कंजुगेशन में भेज सकते हैं यानी इसमें ओ अपना प्लस एम एफ शो कर सकता है इस कारण से इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ होगी वो स्ट्रेंथ जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी और इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ डिक्रीज होने के कारण ही इन दोनों इनोल में से इसकी परसेंटेज जो है वो डिक्रीज हो जाती है इस टाइप के कंपाउंड में दो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप के बीच में प्रेजेंट हाइड्रोजन को हम इनोलाइजेबल हाइड्रोजन या फिर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इस बात पर डिपेंड करती है कि यहाँ पर आर ग्रुप कौन सा लगा हुआ है अगर मान लीजिए आर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग ग्रुप है तो यहाँ बनने वाले नेगेटिव चार्ज को अब ये सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप ज्यादा अच्छे से स्टेबिलाईज कर पाएगा और इस कारण से इसमें परसेंटेज ऑफ इनोल करेक्टर इंक्रीज हो जाएंगे अब अगर मान लीजिए आर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के कारण इस सी डबल बॉन्ड ओ के कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो डिक्रीज हो जाएगा इस कारण से यहाँ बनने वाला नेगेटिव चार्ज अब इजीली स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा और इसीलिए इसके परसेंटेज इनोल करेक्टर डिक्रीज हो जाएंगे जिसको हम इन तीनों एग्जांपल के डेटा से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं यानी ये हमारे पास डाइकिटोन है यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप और एक एस्टर है ये हमारे पास कीटो एस्टर है जबकि यहाँ पे दोनों जगह पर ओ ग्रुप लगे होने से ये दोनों एस्टर ग्रुप है यानी ये हमारे पास डाई एस्टर है यहाँ पर दोनों एस्टर में ये ओ ग्रुप क्या करेंगे अपने स्ट्रोंग प्लस एम इफेक्ट को शो करेंगे और स्ट्रॉन्ग प्लस एम इफेक्ट को शो करने के कारण इस तरह से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे और इस कार्बनल कंपाउंड का जो डेल चार्ज होगा उसको डिक्रीज कर देंगे और इसीलिए इसके इनोल कंटेंट जो होंगे इस सीरीज में सबसे कम होंगे जबकि यहाँ दोनों मिथाइल ग्रुप क्या करेंगे ग्रुप इसमें प्लस आई और प्लस एच के थ्रू इसमें इस डेल इस पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करेंगे जो कि प्लस एम के रिस्पेक्ट में वीक इफेक्ट होगा और इसीलिए इसमें इनोल कंटेंट जो होंगे इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा होंगे अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम इस एक्टिव मिथेलिन ग्रुप की एसिडिक स्ट्रेंथ के बेस पे भी कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो भी वैल्यू है आर की उसके हिसाब से ग्रुप कौन सा हमारे पास हुआ जैसे इस एग्जांपल में यहाँ पे एम ई रखने से हमारे पास दो कीटो ग्रुप हुए यहाँ एक कीटो और एक स्टर है यहाँ पे हमारे पास दो स्टर है अगर इनका माइनस एम की बात की जाए तो कीटो ग्रुप का जो माइनस एम होता है वो स्टर ग्रुप से ज्यादा होता है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम दो कीटो ग्रुप लगाते हैं और बेसिक मीडियम जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनता है वो इनके माइनस एम से बहुत अच्छे से स्टेबिलाईज होता है जबकि दो स्टर का माइनस एम बहुत कम होता है और जब बेसिक मीडियम में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनता है वो उतना अच्छे से स्टेबिलाईज नहीं हो सकता या हम ऐसे भी कह सकते हैं इनमें से जो भी ग्रुप इस बीच वाले एक्टिव एक्टिविथ ग्रुप के एच रिमूव करने के बाद बनने वाले कंजुगेट बेस को जितना ज्यादा स्टेबलाइज करेगा उसमें इनोल कॉन्टेंट हमेशा उतने ज्यादा होंगे नंबर थर्ड अगर मान लीजिए आर की जगह पर हमने कोई फिनाइल ग्रुप ले लिया है तो इसके कंजुगेशन के थ्रू भी परसेंटेज ऑफ इनोल पे काफी इम्पेक्ट डेवलप होता है जैसे एग्जाम्पल नंबर एट में अगर हमारे पास जो कंपाउंड है इसमें दो तरह की इनोल पॉसिबल हो सकती है इस कंपाउंड को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए इस इसल बॉन्ड ओ ग्रुप को हम ए मान लेते हैं सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को हम सी मान लेते हैं और यहाँ इस कार्बन के हाइड्रोजन को हम बी मान लेते हैं तो इस कंपाउंड में दो तरह के इनोल पॉसिबल है पहले इनोल में बी और सी की हेल्प से अगर इनोल बने वो कुछ इस तरह से इनोल दिखाई देगा और अगर मान लो ए और बी की हेल्प से अगर इनोल बने तो इसका इनोल कुछ इस तरह से दिखाई देगा अब इन दोनों इनोल में दो चीजें कॉमन है पहली चीज तो ये दोनों में ही जो स्टेबिलिटी है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण आ रही है और दोनों में ही इस सिस्टम में कंजुगेशन डेवलप हो गया है यानी सिंगल डबल सिंगल डबल यहाँ पे कंजुगेशन है और इसी तरह से इसमें सिंगल डबल सिंगल डबल यहाँ पे कंजुगेशन है फिर भी अगर इन दोनों इनोल को आपस में कंपेयर किया जाए तो इस इनोल की जो स्टेबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा आती है अब ऐसा क्यों होता है ऐसा इसमें बेंजीन रिंग के कारण होता है अगर इस बेंजीन रिंग के कंजुगेटिव सिस्टम को देखें तो यहाँ पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल इस तरह यहां से लेकर ये पूरा सिस्टम जो है ये कंजुगेटेड सिस्टम हो जाता है यानी इसे हम एक्सटेंडेड कंजुगेशन कह सकते हैं जबकि यहाँ पे बेंजीन का कोई रोल जो है इसके साथ कंजुगेशन का नहीं रहता है इसी कारण से इस इनोल में इन तीन चीज़ों के कारण इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बढ़ने के कारण यहाँ पर कंजुगेशन डेवलप होने के कारण और इस बेंजीन के साथ इस केटोग्रुप का एक्सटेंडेड कंजुगेशन के कारण इस इनोल की जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है एग्जाम्पल नंबर नाइन यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के कार्बनिक कंपाउंड दिए गए हैं इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं यहाँ पे फिनाइल और मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है जबकि इसमें दो फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है अगर इन तीनों कंपाउंड के परसेंटेज इनोल को कंपैरिजन करें तो इस कंपाउंड के जो परसेंटेज ऑफ इनोल होंगे वो सबसे ज्यादा आएंगे वो इसलिए आएंगे चाहे आप इसका इनोल इन दोनों की हेल्प से बनाओ या इसका इनोल इन दोनों की हेल्प से बनाओ इस पीएच के कारण पूरा सिस्टम जो होगा वो एक्सटेंडेड कंजुगेशन में चला जाएगा अगर इसके हम परसेंटेज ऑफ इनोल की बात करें तो इसमें परसेंटेज ऑफ इनोल सबसे ज्यादा होंगे और अप्रोक्स इसके 100 परसेंट ये इनोल फॉर्म में रहेगा जबकि ये कंपाउंड जो होगा अप्रोक्सीमेट एट्टी इनोल फॉर्म में रहेगा और ये कंपाउंड सबसे कम यानी सेवनटी इनोल फॉर्म में रहेगा एग्जाम्पल नंबर टेन यहां पर हमारे पास दो तरह के इनोल दिए गए हैं पहले में एसिटोन के थ्रू इनोल बना हुआ है जिसे ए मान लिया गया है दूसरे में इस कंपाउंड के थ्रू इनोल बना हुआ है जिसे बी मान लिया गया है अगर मान लो अब ए और बी में हम परसेंटेज की स्टेबिलिटी की बात करें तो इन दोनों में जो बी होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा अब बी ज्यादा स्टेबल क्यों होगा क्योंकि बी में आपने इस कीर्टो और यहाँ के सी एच थ्री को यूज करते हुए जब इनोल बनाया होगा तो ये जो डबल बोन्ड बनेगा वो इस डबल बोन्ड के साथ कंजुगेशन में चला गया होगा क्योंकि यहाँ पर डबल सिंगल डबल बोन्ड का कंजुगेशन आ गया होगा अब यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपने इस कीर्टो और इस कार्बन के हाइड्रोजन को यूज करके इनोल क्यों बनाया यहाँ के हाइड्रोजन को यूज करके इनोल इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि तो ये जो हाइड्रोजन है वो sp2 कार्बन पे प्रेजेंट है और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो इनोलाइजेबल H है वो sp3 कार्बन पे होना जरूरी है इसलिए आप इनोल जो है इन दोनों की हेल्प से बनाओगे अगर इन दोनों में स्टेबिलिटी की बात की जाए तो बी वाले इनोल में कॉन्जुगेटिव सिस्टम होने के कारण बी वाले इनोल की जो स्टेबिलिटी होगी वो ए से बहुत ज्यादा होगी अब मान लो हमारे पास इस तरह के दो कंपाउंड है जिसमें दोनों साइड में बेंजीन रिंग लगी हुई है तो ऐसे कंपाउंड में हम परसेंटेज ऑफ इनोल किस तरह से कंपेयर करेंगे अगर इन दोनों कंपाउंड का आपस में कंपेयर करें तो इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे नेट्रो ग्रुप प्रेजेंट है यानी कि इस साइड में नेट्रोब बेंजीन जुड़ा हुआ है जबकि बाकी सभी में

इनोलेजेबल एच को या इस एक्टिव एक्टिविन के एच को जितना ज्यादा एसिडिक बनाएगा वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा इनोल फॉर्म में रहेगा क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट के कारण नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा यहाँ बनने वाले नेगेटिव चार्ज को बहुत अच्छे से स्टेबलाइज करेगा इसलिए इस टाइप के इनोल में ऐसे कंपाउंड जिसकी बेंजीन में इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग ग्रुप प्रेजेंट हो उनके परसेंटेज ऑफ इनोल जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं अब इस पूरे कॉन्सेप्ट के बेस पे हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इस ओ ग्रुप के साथ अगर बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है तो उसमें इनोल के कंटेंट सबसे ज्यादा होंगे जिस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे और उसमें सबसे कम इनोल कॉन्टेंट होंगे जिसकी बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े होंगे और इसका चौथा फैक्टर होता है कि जो हमारे पास एक्टिव मिथेलिन ग्रुप होता है उसके कार्बन पर किस तरह के ग्रुप लगे हुए हैं जैसे यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप के बीच में ये जो कार्बन है ये एक्टिव एक्टिविथेलिन ग्रुप कहलाता है क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन को यूज करके हम इनोल की फॉर्मेशन करते हैं इसलिए इसे हम इनोलिजल एच भी कह सकते हैं और इस कार्बन के एक एच को हटाकर कर यहाँ पे कोई ग्रुप आर वन लगाया है अगर आप इन दोनों कीटों में से किसी की हेल्प से भी अगर इनोल बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह से इनोल दिखाई देता है अगर इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात की जाए तो इस कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ को हमने एक्स मान लिया है और यहाँ पे कार्बन कार्बन बोन्ड लेंथ को हमने वही मान ली है अब क्वेश्चन ये है एक्स और वाई में से बड़ी बोन्ड लेंथ कौन सी है क्योंकि ये सिंगल बोन्ड है और यहाँ पे डबल बोन्ड की फॉर्मेशन हो गई है इसलिए जो एक्स बोन्ड होगा वो वाई के कंपैरिजन में बड़ा होगा यानी कि वाई अगर छोटा बोन्ड है तो इसमें होगा क्या कि ये आर ग्रुप और आर वन जो ग्रुप होंगे इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा क्लोज आ गए होंगे और क्लोज आने के कारण इनके बीच में रिपल्शन शुरू हो गया होगा और रिपल्शन शुरू होने से इसके एनर्जी कंटेंट बढ़ गए होंगे और इस कारण से इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हुई होगी हो अगर मान लो हमने आर का साइज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो क्या इनोल फॉर्म ज्यादा बनेगी यह कंपाउंड कीटो ही रहेगा तो इसका आंसर है कंपाउंड हमेशा कीटो में ही रहना चाहेगा वो इनोल फॉर्म नहीं बनाना चाहेगा तो इसके बेस पर हम स्टेटमेंट दे सकते हैं कि आर ग्रुप का साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ इनोल या हम ऐसा भी कह सकते हैं आर वन का साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ कीटोफोम जैसे इस कंपाउंड के इनोल की बात की जाए तो इसमें 91 परसेंट के आसपास ही इनोल प्रेजेंट होता है और जैसे ही यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया जाता है चूंकि अब ये दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के बहुत पास आ जाएंगे और इसमें रिपल्शन शुरू हो जाएगा जबकि यहां पे जो रिपल्शन था वो हाइड्रोजन और मिथाइल के बीच में था क्योंकि हाइड्रोजन छोटा था इसलिए रिपल्शन ज्यादा इफेक्टिव नहीं था और यहाँ पर दो मिथाइल के बीच में रिपल्शन होने के कारण अब इस इनोल के जो एनर्जी कंटेंट होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे जिससे इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और स्टेबिलिटी डिक्रीज होने के कारण ये इसकी परसेंटेज जो है अब 91 से डिक्रीज होके अप्रोक्सीमेट 41 परसेंट के आसपास ये रह जाएगा एग्जाम्पल नंबर इलेवन इस एग्जाम्पल में हमारे पास ये आर ग्रुप की जगह पर ये चार वैल्यू हो सकती हैं यानी हमारे पास चार तरह के कंपाउंड दिए गए हैं आर यहाँ पे हाइड्रोजन हो सकता है मिथाइल हो सकता है आइसोप्रोपाइल हो सकता है या ट्रशरी बोटाइल हो सकता है अगर इस कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ इनोल की बात करें तो ये आर का साइज सबसे छोटा होना चाहिए जितना आर जितना छोटा होगा उतना ही परसेंटेज ऑफ इनोल ज्यादा होगी इसलिए इन चारों में सबसे बेस्ट परसेंटेज ऑफ इनोल

जो हमारे पास कंपाउंड दिया हुआ है जो कार्बन कंपाउंड है उसमें रोटेशन पॉसिबल है या फिर उसमें रोटेशन है इस बेस पे भी मॉलिक्यूल में परसेंटेज ऑफ इनोल पे डायरेक्टली इम्पैक्ट डेवलप होता है एग्जाम्पल नंबर ट्वेल्व यहाँ पे हमारे पास दो एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनको हमने ए और बी माना है इन दोनों कंपाउंड में कॉमन चीज ये है कि इसमें कीटो ग्रुप जो है वो एडजस्टेड है इस कंपाउंड को हम ब्यूटेन टू थ्री डायओन कहते हैं और इस कंपाउंड को साइक्लोपेंटेन वन टू डायोन कहते हैं इस कंपाउंड को कॉमनली बाई एसेटल भी कहा जाता है अब इन दोनों कंपाउंड में खास बात यह है कि दोनों में जो कीटो ग्रुप है वो एक दूसरे के एडजेसेंट कार्बन पे है इसका मतलब यह हुआ अब इसमें होगा क्या दोनों ही कंपाउंड में डायपोल डायपोल रिपल्शन शुरू हो जाएगा अभी रिपल्शन कैसे होगा क्योंकि तो इसका जो कीटो ग्रुप है इसमें इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण यहाँ पर डेल नेगेटिव और यहाँ पर डेल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और इस कारण से इसमें डायपोल डायपोल रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा क्योंकि कंपाउंड को यह भी पता है कि अगर एक सीड बल बोन ओ ग्रुप होता है तो उसमें बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी होती है क्योंकि इसमें दो दो सीडबल बॉन्ड ओ ग्रुप है तो मॉलिक्यूल क्या करता है ये मॉलिक्यूल ऐसा प्रयास करता है कि अपने इस सीड बॉन्ड ओ को सेक्रीफाइस नहीं करे बट इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये भी है ये हमारे पास ओपन चेन है और ये हमारे पास साइकिली कंपाउंड है तो ओपन चेन कंपाउंड में क्या होता है इस डायपोल डायपोल रिपल्शन से बचने के लिए कंपाउंड अपने इस सिंगल बोन्ड को रोटेट कर लेता है और जैसे सिंगल बोन्ड को रोटेट करता है अब दोनों सी डबल ओ ग्रुप एक दूसरे की रिपल्शन नहीं रहता बट इस टाइप का जो फ्री रोटेशन होता है वो केवल सिंगल में ही पॉसिबल होता है ये कंपाउंड हमारे पास साइकिल है तो इसमें बेसिकली होगा क्या रोटेशन नहीं हो सकता और साइकिल कंपाउंड में रोटेशन ना होने के कारण ही उसमें आइसोमर बनते हैं इसका मतलब ये हुआ ये कंपाउंड अपना रोटेशन नहीं कर सकता अब मजबूरी में इसको इनोल बनाना पड़ेगा अब ये कम्पाउंड क्या करेगा इन दोनों कीटो ग्रुप में से किसी एक के थ्रू और इस कार्बन के हाइड्रोजन की हेल्प से इनोल बना लेगा जैसे सपोज ये कीटो यहाँ के एच की हेल्प से इनोल बनाता है तो वो इनोल कुछ इस तरह से दिखाई देगा अब इस कंपाउंड बी के बनने वाले इनोल में टोटल तीन चीज होंगी पहली तो ये इस हाइड्रोजन और इस कीटो ग्रुप के ओ के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी और इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसके इनोल की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी दूसरी चीज ये होगी कि इसमें कंजुगेशन डेवलप हो जाएगा डबल सिंगल डबल बोर्ड का कंजुगेशन होगा इस कारण से इस कंजुगेटेड सिस्टम में भी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तीसरा अगर ये इनोल बना लेता है तो इस डायपोल डायपोल का जो रिपल्शन था उससे बच पाएगा इसलिए जो कंपाउंड बी होता है वो इनोल में कन्वर्ट हो जाता है जबकि कंपाउंड ए जो होता है वो रोटेशन के थ्रू अपने फॉर्म को सेक्रीफाइस नहीं करता है अगर इसके डेटा को देखें तो जो कंपाउंड ए है उसमें अप्रोक्स हंड्रेड परसेंट के आसपास इसमें कीटो फॉर्म प्रेजेंट होती है इसी तरह जो कंपाउंड बी है उसमें अप्रोक्स हंड्रेड परसेंट के आसपास इनोल फॉर्म प्रेजेंट होती है अब जो बी कंपाउंड में हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है इस कॉन्सेप्ट को तभी यूज करना है जब साइकिल कंपाउंड में दो कीटो ग्रुप एक दूसरे के एडजस्टेंट हो अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ इस टाइप का कंपाउंड है तो ऐसे कंपाउंड में जरूरी नहीं है कि कंपाउंड बी की तरह ही हंड्रेड परसेंट इनोल प्रेजेंट हो इस कंपाउंड के अगर डेटा को देखा जाए तो इसमें सिक्सटी सेवन परसेंट कीटो फॉर्म रहती है जबकि थर्टी थ्री परसेंट जो है इसमें इनोल फॉर्म रहती है और इस कंपाउंड में इन दोनों में से कोई भी कीटोग्रुप इनोल बनाने में हेल्प कर सकता है अब यहाँ पे खास बात यह है चूंकि यहाँ के एक्टिव एक्टिमिथेलिन ग्रुप की एसिडिक ज्यादा है इस कारण से कोई भी कीटोग्रुप यहाँ के हाइड्रोजन को यूज करके इनोल बनाएगा ऐसा करने से बनने वाले इनोल में सिंगल डबल सिंगल डबल बोन का कंजुगेशन हो जाएगा इसी टाइप के कॉन्सेप्ट को हम ओपन चेन और साइकिलिक कंपाउंड में भी लगा सकते हैं अगर हमारे पास कोई साइकिलिक कंपाउंड है और बिल्कुल उसका सेम ऐसी क्यों होता है कार्बोनैन हो तो ऐसा बनेगा और इस कंपाउंड के बेसिक मीडियम में जब इनोल बनेगा तो इससे इस टाइप इस का कार्बोनइन बनेगा चूंकि ये हमारे पास ओपन चेन कार्बोनइन है ये साइकिली कार्बोनइन है तो इसमें होगा क्या कि अब इसमें यहां से रोटेशन पॉसिबल हो सकता है इस रोटेशन के कारण इस कीटो ग्रुप का माइनस एम उतना इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगा जबकि साइकली कंपाउंड में ये पूरा सिस्टम लोक्ड सिस्टम होता है ये रिजिट सिस्टम होता है इसमें इस तरह के सिंगल बोर्ड का रोटेशन पॉसिबल नहीं है इसलिए ये पूरा सिस्टम जो होगा वो प्लेनर बना रहेगा और इसमें कीटो ग्रुप का जो माइनस एम इफेक्ट होगा इसके कम्पेरिजन में ज़्यादा बेटर लगेगा इसी कारण से साइकिलिक कंपाउंड में उसके ओपन चैन एनालोग के कंपेरिजन में ज़्यादा परसेंटेज ऑफ इनोल प्रेजेंट होती है

परसेंटेज ऑफ इनोल उसमें बहुत ज्यादा कम थे और जैसे ही सोलवेंट नॉन पोलर हुआ उसमें परसेंटेज ऑफ इनोल जो हैं परसेंटेज ऑफ इनोल इसके कंपैरिज़न में ज्यादा बढ़ गए ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ अगर हमारे पास नॉन पोलर सोलवेंट हैं ऐसी कंडीशन में ये मॉलिक्यूल खुद अपनी इनोल बनाता है और फिर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबिलिटी गेन करता है अगर मान लीजिए हमने पोलर प्रोटिक सोलवेंट ले लिए जैसे सपोज हमने वाटर मॉलिक्यूल ले लिया तो ऐसी कंडीशन में वाटर के मॉलिक्यूल क्या करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल इस कीटोफॉम के साथ इस तरह से इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं इसका मतलब ये है अगर कभी भी पोलर प्रोटिक सोलवेंट होगा तो वो मोलिक्यूल क्या करेगा इन दोनों कीटों के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा इसलिए ऐसी कंडीशन में इसकी कीटो फॉर्म बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेगी और उसमें निगलजिबल इनोल बनेगा और अगर सोलवेंट हमने ऐसे लिए जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते यानी कि अगर वो नॉन पोलर है या फिर वो पोलर ए प्रोटिक है ऐसी कंडीशन में मोलिक्यूल खुद इनोल बनाएगा और फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबिलिटी गेन करेगा एग्जाम्पल नंबर फिफ्टीन यहाँ पे हमारे पास एसिटाइल एसिटोन फॉर्म और इनोल फॉर्म का इक्विलिब्रियम दिया गया है और इस डायनेमिक इक्विलिब्रियम में इन दोनों कीटो और इनोल फॉर्म के रेशियो की बात करें अगर सोलवेंट बेंजीन है तो इसमें इनोल फॉर्म डोमिनेंट रहती है और सोलवेंट जैसे ही वाटर हो जाता है तो इसमें कीटो फॉर्म डोमिनेंट हो जाती है इसका रीजन सेम यही है कि अगर मॉलिक्यूल हमारे पास नॉन पोलर होता है या पोल पोलर ए प्रोटिक होता है ऐसी कंडीशन में मॉलिक्यूल जो है खुद इनोल बनाकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबिलिटी गेन करता है और अगर सोलवेंट पोलर प्रोटिक हो ऐसी कंडीशन में वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं इन कीटो ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के करने के कारण इसकी कीटो फॉर्म जो होती है वो डोमिनेट हो जाती है या हम ऐसा कह सकते हैं कभी भी हम पोलर प्रोटिक सोलवेंट जैसे मैथिनोल एथेनोल एसिडिक एसिड लेंगे ऐसी कंडीशन में परसेंटेज ऑफ कीटो डोमिनेट करेगी और जैसे ही नॉन पोलर सोलवेंट जैसे benzene, CCL4 लेंगे तो इसमें परसेंटेज ऑफ इनोल बढ़ जाएगी नंबर इस एग्जाम्पल में अगर इन एल्किन के हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के डेटा को देखें तो इसमें सबसे ज्यादा एच साइक्लोप्रोपीन की होती है और सबसे कम एच इसमें साइक्लोहेक्गजीन की होती है साइक्लोप्रोपीन की एच सबसे ज्यादा होने का रीजन यही होता है कि इस रिंग में सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन होता है किसी भी साइक्लिक मॉलिक्यूल के अंदर डेवलप होने वाले एंगल स्ट्रेन को हम स्ट्रेन भी कहते हैं और इस स्ट्रेन को डिटेल में हमने हाइड्रोजनेशन के वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं अगर इस एग्जाम्पल को हम टोटोमेरिज्म के रिस्पेक्ट में कंसिडर करें तो हमको टोटोमेरिज्म में में इनोल फॉर्म के दौरान जब डबल डबल बनता है तो डबल को स्मॉल रिंग में बनाने से हमको अवॉइड करना है जैसे एग्जाम्पल नंबर 16 में इसकी ग्रुप के रिस्पेक्ट में इन दो कार्बन के हाइड्रोजन की हेल्प से इनोल की फॉर्मेशन हो सकती है अगर हम ए हाइड्रोजन को यूज करते हैं इसे हम पाथ ए मान लेते हैं और इससे इस टाइप इस की इनोल की फॉर्मेशन होती है अगर बी हाइड्रोजन यूज होते हैं और इससे पाथ बी के थ्रू इस टाइप के इनोल की फॉर्मेशन होती है अब बनने वाले इन दोनों इनोल में सबसे बड़ा डिफरेंस और सिमिलरिटी क्या है सबसे बड़ी सिमिलरिटी ये है कि इसमें जो डबल बोंड है वो सिक्स मेंबर रिंग में बनता है बट डिफरेंस ये है कि इसमें जो डबल बोंड बना है वो थ्री मेंबर रिंग से दूर बना है जबकि इसमें डबल बोंड थ्री मेंबर रिंग के जस्ट ऊपर बना है ऐसी रिंग को हम एक्सोसाइक्लिक रिंग कहते हैं थ्री मेंबर रिंग पहले से स्ट्रेन होता है और यहाँ पर अब ये एस पी थ्री कार्बन है जबकि यहाँ पर अब ये एस पी टू कार्बन हो जाएगा तो थ्री मेंबर रिंग में स्ट्रेन और भी ज़्यादा डेवलप हो जाएगा इस कारण से इन दोनों रूट में से ये रूट कभी भी फिजिबल नहीं है ये मॉलिक्यूल हमेशा इस टाइप के इनोल की फॉर्मेशन करता है बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम एग्जांपल नंबर 17 में इन दोनों साइकिली कीटोन में भी परसेंटेज इनोल को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि इसके इनोल में डबल बॉन्ड सिक्स मेंबरिंग के अंदर बनेगा और इस इनोल में डबल बॉन्ड फाइव मेंबरिंग के अंदर बनेगा सिक्स मेंबरिंग में बनने वाला डबल बॉन्ड फाइव मेंबरिंग के डबल बॉन्ड से ज़्यादा स्टेबल होगा इसलिए साइक्लोहेक्ग्जिन में इनोल की परसेंटेज साइक्लोपेंटिन से ज़्यादा होती है इन सभी डिफरेंट स्पेक्टर के अलावा हमको रूल को भी ध्यान में रखना चाहिए जैसे मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है इस कंपाउंड में दोनों कीटोग्रुप सेम है तो आप किसी भी कीटोग्रुप को यूज करके इनोल की फॉर्मेशन कर सकते हैं अगर मान लीजिए हम इस कीटोग्रुप को यूज़ करके इनोल की फॉर्मेशन करें तो इसके रिस्पेक्ट में दो कार्बन हमारे पास ऐसे हैं जो इनोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस कार्बन के हाइड्रोजन को हम एच ए मान लेते हैं और इस कार्बन के हाइड्रोजन को हम एच बी मान लेते हैं अगर ये कीटोन इस हाइड्रोजन की हेल्प से इनोल बनाता है तो ये ये इनोल कुछ इस इस तरह तरह से से दिखाई देता है इसी तरह से अगर कीटोन इस हाइड्रोजन को यूज करके इनोल की फॉर्मेशन करता है तो ये इनोल कुछ इस तरह से दिखाई देता है अब इन दोनों इनोल में से कौन सा इनोल बनेगा अब इन दोनों पाथ में से मॉलिक्यूल कौन सा पाथ फॉलो करेगा ये डिसाइड किया जाएगा ब्रिटिश रूल से अगर इनमें इस डबल बोन्ड को हम देखें तो इसमें ये जो डबल बोन होगा ये ब्रिज हेड कार्बन पे होगा जबकि ये डबल बोन होगा ये ब्रिज हेड कार्बन पर नहीं होगा इसका मतलब ये है कि ब्रिज रूल से किसी भी ब्रिज हेड कार्बन पर डबल बोन सरवाइव नहीं कर सकता इस टाइप के जो मॉलिक्यूल होंगे उसमें इस टाइप का रूट कभी भी फॉलो नहीं हो सकता इस टाइप के रूट के थ्रू इनोल की फॉर्मेशन होगी तो गाइज आई होप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपने बहुत अच्छे से समझा होगा किसी भी कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ इनोल या इनोल कॉन्टेंट किस तरह से निकाले जाते हैं